this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वेरी गुड इवनिंग गाइस उम्मीद है आप सभी की जो आज की ट्रेड रही वो अच्छी रही होगी मार्केट बंद होने से पहले आपने अपने जो पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ कर ली होगी अगर नहीं कर पाए होंगे तो कोई बात नहीं आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे अगर पेंडिंग में होंगे बाकी आपको पता चल ही जाएगा जब मार्केट खुलने वाला होगा मे भी हो सकता है मैं ये जब वीडियो अपलोड कर दूँ उसके बाद मार्केट कुछ देर के लिए खुले बट आज का जो हमारा हॉट टॉपिक था सबसे ज़्यादा मेरे को मैसेजेस आए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किए हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आप चेक कर सकते हैं मैंने मॉर्निंग में ही अपने जो भी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमारे जो है सब्सक्राइब किया है वो जो मेरे साथ वाट्सअप में ज्वाइन है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप भी ज्वाइन हो सकते हैं फ़ायदा क्या है मैं वो बाद में बताऊँगा पहले ये चीज़ बता दूँ कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आज अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो सकती है अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट से मेरा कहना था कि आज मार्केट में कुछ ना कुछ इधर से उधर हो सकता है तो आप केयरफुल रहिएगा इस बात का स्क्रीन मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा ज्वाइन जरूर हो जाएगा तो पहला स्टॉक था हमारा दलमिया भारत जो मार्केट बंद होने से पहले यानी कि मार्केट बंद होने से पहले जो इन्होंने मूवमेंट दिखाई उसी बेसिस पे मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा उसके बाद अगर हो सकता है ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपका जो मार्केट है वो ओपन हो जाए अभी तक एन से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है तो मार्केट ओपन भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है सबसे पहले मैं दलमिया भारत की बात करूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो गया था भले इसने गैप रिफिल किया बट मैंने हमेशा कहा है कि अगर स्टॉक ज़्यादा ही गैप दिखा दे तो आप उस स्टॉक को छोड़ देंगे अगर नहीं छोड़ा होगा तो आपको इसमें लॉस का सफ़र करना पड़ सकता था अगला स्टॉक था हमारा चेल जो मैंने आपको दिया था इसमें हमारा जो था बाई साइड के तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे मार्केट बंद होने से पहले ये जो भी रिजल्ट है मार्केट बंद होने से पहले के हैं अगर बाकी के जो दो स्टॉक मैंने टेलीग्राम चैनल में दिए थे उसमें से पहला था हमारा यू जिसमें हमारा जो थी ट्रेड अगर आपने शॉर्ट सेलिंग साइड की ट्रेड ली होगी तो फिर हो सकता है मे बी आप इसमें फंस चुके होंगे क्योंकि देखिए मार्केट बंद हुआ इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था अगर मार्केट चलता तब हम डिपेंड करते कि एसएल हिट हुआ या फिर टारगेट अचीव हुआ टारगेट अचीव होने से पहले और एसएल हिट होने से पहले ये मार्केट बंद हो गया तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या रिजल्ट रहने वाला है हाँ पर इसमें कॉल हमारी एक्टिवेट हो गई थी इसका जो लेवल था वो था हमारा इलेवन का और मैंने कहा है इलेवन यानी कि इलेवन सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव पे आप इसे शॉर्ट सेल करना था तो ये चीज लेवल एक्टिवेट हो गया था काफी लोग इसमें फंस गए होंगे अब ये मार्केट की गलती है मैं भी कुछ नहीं कर सकता अगला था हमारा थर्मैक्स जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया था उसमें भी हमारे जो थे बाय साइड का तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे मार्केट बंद होने से पहले ही तो इसमें भी अगर आपने बाय साइड की ट्रेड ली होगी तो आप इजीली स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट कमा चुके होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हमारे व्हाट्सएप के स्टॉक्स हैं ये मॉर्निंग में मैं प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी फोर टू सेवन हंड्रेड रेंज में स्टॉक्स पाना चाहते हैं इनमें आपको मिनिमम ट्वेंटी टू फिफ्टी टू ट्वेंटी पॉइंट्स मिल जाते हैं डेली के जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं आप कितना प्रॉफिट अन कर सकते हैं रिजल्ट बताऊं तो पहला डानी ट्रांस था जिसमें हमारे बाय साइड शॉर्ट सेलिंग साइड का पहले तीनों टारगेट प्राइस अचीव हुए फिर उसके बाद बाय साइड की तीनों टारगेट प्राइस अचीव हुए उसके बाद मार्केट बंद हुआ यानी कि बाय और शॉर्ट सेलिंग साइड दोनों टारगेट प्राइस हमारे तीनों अचीव हो गए थे इसमें भी आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा अगर आपने ट्रेड करी होगी अगर मैं राम कोशिश की बात करूं तो देखिए ये हमारा जो बाइंग प्राइस था वो था हमारा सिक्स थर्टी सिक्स पे और जो हमारा सेकंड टारगेट प्राइस था वो था हमारा 646 का यानी कि यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स यानी कि कुछ पॉइंट माइनर पॉइंट्स है ये इसने अपना हाई बनाया है 645 का और 646 फोर्टी सिक्स हमारा थर्ड टारगेट सॉरी सेकंड टारगेट प्राइस था बट कोई बात नहीं एक टारगेट प्राइस इसमें अचीव हो गया था एज यूजल मैंने आपको रूल बताया था कि पहले टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे पहले टारगेट प्राइस पर ताकि जो आपने अन किया है वो आपसे जाना है तो यहाँ पे आपको उस चीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा और उसके बाद शॉर्ट सेलिंग की साइड हमने तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव कर लिए थे आप जाके चेक कर सकते सिक्स हंड्रेड टेन का हमारा लास्ट टारगेट प्राइस था ये सब मैं मार्केट बंद होने से पहले की बात कर रहा हूँ मार्केट ब... अगर मार्केट के टाइम में आपका ऑर्डर स्टक रह गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता सारे ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं वैसे जितना मैं जानता हूँ मेरे भी सारे ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं जो पेंडिंग में थे डी की मैं बात करूँ ये मैंने आपको दिया था व्हाट्सएप में इसमें हमारे बाई साइड के दो टारगेट प्राइस यहाँ पे आके इजीली अचीव हो गए थे बाई साइड के दो टारगेट प्राइस यहाँ पे अचीव हो गए थे यानी कि टेन पॉइंट्स इसमें भी आपको मिल गए थे और अगर मैं आगे की बात करूँ तो शॉर्ट सेलिंग का इसमें लेवल ब्रेकआउट नहीं हो पाया तो बाई साइड के ही दो टारगेट प्राइज अचीव हुए आई एम एफ में हमारा क्या हुआ बाई साइड के हमारे एक ही टारगेट प्राइज अचीव हो पाया आई एम एफ एफ में और जो शॉर्ट सेलिंग की मैं बात करूँ तो शॉर्ट सेलिंग में हमारा यहाँ पर भी हमारा एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया एक्जैक्ट इसने फाइव जीरो फाइव का लो बनाया उसके बाद मार्केट बंद हो गया तो इसमें भी आपको एक टारगेट प्राइस मिल गया था अब हो सकता है कि अब जब मार्केट अगर ओपन होता तो ये काफ़ी अच्छा मोवमेंट आपको दिखा था बट मार्केट क्लोज हो गया था तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता अगर मैं बात करूँ आर के फोर्ड्स की तो इसमें हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे यहाँ पे आके इस पॉइंट पर आके बाई साइड का मेरा इसमें एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया सेकंड टारगेट प्राइस से एक प्र, एक पॉइंट नीचे रह गया बट ठीक है ये फेयर इनफ था एक टारगेट प्राइस भी अचीव हुआ तो देखिए अब डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा मॉर्निंग में अगर ये मार्केट खुलता है और कुछ मूवमेंट दिखाता है तो मैं मॉर्निंग में सारे लेवल्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा अभी मैं लेवल्स नहीं बता सकता क्योंकि मार्केट अभी बंद है हो सकता है अपलोड करने के बाद मार्केट खुले थोड़ी देर के लिए थोड़ा सेटल हो अगर सेबी से हमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता है कल के लिए तो मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कर दूंगा ये भी हो सकता है कि कल मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए क्योंकि रुकने की वजह से काफ़ी लोग घबरा के अपने जो होल्डिंग थे उसको क्लियर करने लग जाए कल होते ही और मार्केट बहुत धड़ाम से गिर जाए और आपको गैप डाउन ओपन हो के दिखे या फिर बहुत ज़्यादा ही बड़े गैप अप ओपन हो के दिखे मार्केट है कुछ नहीं कर सकते हो सकता है कल के लिए हम ऑफ भी रखें हम ना ही कोई लेवल्स प्रोवाइड करें यह सब डिपेंड करता है कि मार्केट अगर खुलता है कि नहीं और खुलता है तो कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है तो ही मैं आपको लेवल्स दूंगा वरना आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन तो हो जाइए क्योंकि उसके अगले दिन तो हम फिर ट्रेड करना शुरू करेंगे ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आपको भी ऐसे प्रॉफिटेबल स्टॉक चाहिए फोर तो टू सेवन की रेंज में मॉर्निंग में मैं प्रोवाइड करता हूँ और बाकी की डिटेल्स हम वहीं डिस्कस कर लेंगे ले। तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ